साथियों नमस्कार। नया साल शुरू हो चुका है 2024, आपका स्वागत करते हैं। मैं अनूप कुंडू आज आपको एक बहुत ही सकारात्मक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। जी हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी का जो आज शीर्षक है वो है जिंदगी और एक समय का भोजन। बिल्कुल, जिंदगी और एक समय के भोजन में क्या अंतर है ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस कहानी को सुनकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ये कहानी है एक जंगली कुत्ते की और एक खरगोश की। एक बार एक जंगली कुत्ता भूख के मारे तड़फ रहा था, वो देख रहा था कि उसे भोजन मिल जाए, लेकिन उसे भोजन नहीं मिल रहा था, भूख के मारे तिलमिला चुका था। ऐसे में उसकी निगाहें गई तो एक छोटा सा खरगोश उसे दिखाई दिया। खरगोश ने देखा कि जंगली कुत्ता तेरी तरफ बढ़ा आ रहा है, दौड़ कर आ रहा है, वो तुझे मार डालेगा, खाएगा। उसके बावजूद जैसे दोनों की निगाहें मिली, एक दूसरे को दोनों ने देखा और देखते ही देखते दौड़ना शुरू हो। पहले खरगोश दौड़ा, उसके पीछे पीछे कुत्ता दौड़ा। खरगोश की छोटी छोटी टांगे, छोटा सा शरीर और दौड़ रहा है, कुत्ते की बड़ी बड़ी टांगे, भारी भरकम शरीर, वो उसके पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते 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 दौड़ रहे हैं। खरगोश बहुत जोर लगाकर तेजी से दौड़ रहा है, कुत्ता उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है, वो खाना चाहता है, उसको भोजन चाहिए। उधर से खरगोश दौड़ रहा है, उसे अपनी जान बचानी है, जिंदगी बचानी है। दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते कुत्ता सोच रहा है कि मैं इतना ताकतवर जानवर, उसके बावजूद भी छोटे से खरगोश को नहीं पकड़ पा रहा, वजह क्या है? जितनी जोर से दौड़ने की कोशिश कर रहा है खरगोश, उतने आगे दौड़ता जा रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है। जब दौड़ते दौड़ते देखता है कि एक आगे छोटा सा बिल नजर आता है और खरगोश उस बिल के अंदर बैठ जाता है। जैसे ही खरगोश उस बिल के अंदर बैठा, कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया और हांफने लगा। दोनों हांफ रहे थे, अपने सांस उतार रहे थे, लेकिन कुत्ते ने खरगोश से कहा कि दोस्त बाहर आ जा, तेरा मेरा वादा है कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उसने कहा मैं विश्वास कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं, जो मेरे पीछे दौड़ रहा था मुझे मारने के लिए, उसका विश्वास कैसे करूं। उसने कहा कि विश्वास कर, मैं तुझे नहीं हानि पहुंचाऊंगा, सिर्फ एक बात का जवाब मुझे दे दे, एक उत्तर मुझे दे दे। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि मैं इतना मजबूत जंगली कुत्ता, इतनी बड़ी बड़ी टांगे और इतना भारी भरकम शरीर, और एक तू छोटा सा, छोटी छोटी टांगे, उसके बावजूद मैं तुझे मारने के लिए दौड़ रहा हूँ और तू मुझे मिल नहीं रहा, पकड़ नहीं सकता, तू भाग रहा है और मैं भी भाग रहा हूँ, मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता हूँ, उसके बावजूद भी तुझे पकड़ नहीं पा रहा, वजह क्या है? उसने कहा साफ वजह है, छोटी सी वजह है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, तू भाग रहा है कि तुझे एक समय का लंच मिल जाए, एक समय का भोजन मिल जाए, मैं इस खरगोश को मारूं, खाऊं और अपनी भूख शांत कर लूं। तू सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है कि मुझे इसको मारने के बाद भोजन मिलेगा और मैं आराम से अपना भोजन करने के बाद सो जाऊंगा या जहां जाना है वहां जाऊंगा, लेकिन मैं भाग रहा हूं मेरी जिंदगी के लिए। मुझे पता है कि अगर इस कुत्ते ने तुझे पकड़ लिया तो ये तुझे मारेगा और मार करके खा जाएगा। इतना सा अंतर है कि आप एक समय के भोजन के लिए भाग रहे हैं और मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा हूं। दोस्तों हर व्यक्ति यहाँ भाग रहा है, अब देखना आपको है कि आप एक समय के भोजन के लिए भाग रहे हैं या अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी व्यवसाय में हैं, आप राजनीतिक हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप और किसी भी आर्मी में हैं, अध्यापक हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसको कितनी शिद्दत से करते हैं और उसके करने की वजह क्या है? क्या ये है कि आपको तनख्वाह मिल रही है, क्या ये है कि आप से उसको पैसा आ रहा है, या फिर आपका
मोटो जिंदगी है, ये आपको सोचना है। आज एक छोटी सी ये सकारात्मक कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मुझे बहुत ही आशा और उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे इसका प्रतिउत्तर दें। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप साथियों से, आपके साथ इस प्रकार की कोई भी सच्ची घटना आपके जीवन में घटी है वो मुझे भेज दीजिए, मैं अगली बार की वीडियो में आपके नाम के साथ बताऊँगा कि एक साथी का अनुभव ऐसा रहा है। आपके पास इस प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं तो वो भी भेज सकते हैं, और मेरा इंतजार रहेगा। और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि अगली वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।